गुड मॉर्निंग प्ले, दिस इज वी केयर प्ले स्कूल ऑनलाइन क्लास। दिस इज योर ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास वन। सब्जेक्ट इज हिंदी व्याकरण। आंटी आप लोगों को हिंदी व्याकरण की पार्ट छः की वचन पढ़ाएगी। वचन आई मीन इंग्लिश में हम लोग नंबर करते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन एक किसी एक वस्तु का या एक भी चीज का उनका बोध होता है, और बहुवचन अनेक शब्दों का बोध होता है। चलिए मिस अभी आप लोगों को वचन का परिभाषा बताएगी। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। शब्द जिससे एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उन्हें वचन कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ बकरी है। बकरी क्या है? एक है ना बकरी का, बकरियाँ। अनेक है ना, बहुत सारी बकरियाँ दिखाई पड़ी है ना यहाँ पर। तो बकरी एक है और यहाँ अनेक है, ये बहुवचन है। द बकरी, बकरी एक वचन है और बकरियाँ बहुवचन है। दूसरा घोड़ा, घोड़ा यहाँ एक है ना, इनको क्या बोलेंगे? एक वचन में है। घोड़े बहुवचन है, बहुत सारे घोड़े हैं ना, इनको बहुवचन बोलेंगे। लड़की, लड़की यहाँ एक लड़की है, इसमें हम लोगों को एक वचन का बोध होता है। यहाँ लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ बहुवचन, बहुत सारी लड़कियाँ हैं। यहाँ अनेक लड़कियाँ हैं, यहाँ बहुवचन का बोध होता है। ऊपर दिए गए चित्रों को देखने से स्पष्ट है कि बाईं ओर के चित्रों में बकरी, घोड़ा, लड़की संख्या में एक हैं, जबकि दाईं ओर के चित्रों में इनकी संख्या एक से अनेक या एक से अधिक है। इस प्रकार संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी। व्याकरण में संख्या को वचन कहते हैं, संख्या को वचन कहते हैं। अब वचन के भेद। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। बच्चों बताइए कितने वचन होते हैं? दो होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन सिंगुलर नंबर, जिस शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बकरी, घोड़ा, लड़की आदि। बच्चों जिस शब्द से एक वस्तु, एक प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बकरी, घोड़ा, लड़की, लड़का, बैल, गाय। एक वस्तु का बोध हुआ ना, उन्हें एक वचन कहते हैं। नंबर टू बहुवचन, जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जिन शब्द से एक या अनेक या अधिक शब्दों का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे बहुत सारे वस्तुएं हैं, किताबें और लड़कियां, घोड़े, बकरियां और बहुत सारे एक से अनेक वस्तु या प्राणी रहते हैं, उन्हें बहुवचन कहते हैं। वचन, वचन से संज्ञा और क्रिया दोनों के रूप बदलते हैं, जैसे कुत्ता भौंक रहा है। बच्चों देखेंगे कुत्ता क्या है? संज्ञा है ना, एक कुत्ता है, भौंक रहा है, ये क्या है? क्रिया है, भौंकने का काम कर रहे ना, एक कुत्ता है वो भौंक रहा है। यहाँ कुत्ते, देखिए ये संज्ञा यहाँ पर हम लोगों को परिवर्तन हो गया ना, कुत्ता में कुत्ते हो गए संज्ञा और भौंक रहे हैं। यहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं इसलिए भौंक रहे हैं, ये क्रिया चेंज होते हैं, रहा का रहे हैं करेंगे, इनका क्रिया चेंज हो गई। यहाँ पर देखिए संज्ञा भी चेंज हो गई और क्रिया भी चेंज हो गई है। तितली उड़ रही है, तितली, तितली एक वचन है ना, यहाँ एक तितली है, उड़ रही है। तितलियाँ, बहुत सारे तितली को क्या कहते हैं? तितलियाँ कहते हैं। उड़ रही है में देखिए उड़ रही है में हम लोग अनुस्वर की मात्रा करेंगे। जब एक वचन हम लोग करते हैं तो है लिखेंगे, और बहुवचन जब करते हैं हम लोग तो है लिखेंगे। यहाँ ह में हम लोग
अय की मात्रा में हम लोग अनुस्वर लगाएंगे, इससे बहुवचन का बोध होता है। कभी कभी बहुवचन में संज्ञा का रूप नहीं बदलता है। सेव मीठा है, सेव क्या है, संज्ञा है ना, सेव मीठा है। हम लोग सेवे तो नहीं बोलते हैं, सेव बोलते हैं, सेव मीठा है, सेव मीठे हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सेव को हम लोग बहुवचन में नहीं चेंज करते हैं। यहाँ पर सेव संज्ञा है, संज्ञा को हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे। मीठे हैं, मीठे हैं हम लोग बहुवचन में चेंज करेंगे। और यहाँ ह में अनुस्वर का मात्रा लगाएंगे और ठ का हम लोग ठे लिखें, मीठे हैं। इस तरह हम लोग इनको सेव संज्ञा को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, संज्ञा को हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे। सेव का सेव ही रहेगा और मीठा का मीठे हैं। यहाँ पर है में अनुस्वर की मात्रा लगाएंगे। आदमी जा रहा है, आदमी क्या है, संज्ञा है ना, आदमी जा रहा है। यहाँ आदमी जा रहे हैं, आदमी यहाँ ये भी संज्ञा है, उनको बहुवचन में नहीं चेंज करेंगे। आदमी का आदमी ही रहेगा और जा रहे का क्रिया है, इनको हम लोग चेंज करेंगे। जा रहे हैं, रहे चेंज किए और है में ह का है का है किए, इसमें हम लोग बहुवचन चेंज किए हैं, बहुवचन में परिवर्तन किए हैं। है में अनुस्वर की मात्रा लगाए हैं। ग हम जिनका आदर करते हैं, वह एक भी हो तो भी उनके लिए बहुवचन शब्द करते हैं। जैसे हम लोग दादाजी बैठे हैं, दादाजी को हम लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं ना, तो हम लोग दादाजी बैठे हैं। लोग जिनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं ना, उनको भी हम लोग चाहे वो एक भी हो तो उनको हम लोग बहुवचन में लिखेंगे। दादाजी बैठे हैं, ये मेरी माताजी है। माताजी को हम लोग आदर करते हैं ना, सम्मान करते हैं ना, तो हम लोग माताजी को भी हैं, ये मेरी माताजी है। इनमें है में अनुस्वर की मात्रा लगाएंगे। और दादाजी बैठे हैं, इसमें भी है में अनुस्वर की मात्रा लगाएंगे और ये बहुवचन में। लेकिन यहाँ एक ही है, दादाजी भी एक है, माताजी भी एक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें बहुवचन में ही बदलेंगे इनको, क्योंकि हम लोग इनको आदर करते हैं, इनको आदर और सम्मान से बात करेंगे, इसीलिए इसमें बहुवचन लगाएंगे। बच्चों पेज नंबर 25, यहाँ कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन बहुवचन रूप दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। आप लोग इसको, इस चार्ट है, एक तरफ एक वचन है और बहुवचन है। आप लोग को लेफ्ट साइड में एक वचन और राइट साइड में बहुवचन क्लासवर्क और होमवर्क कॉपी में सुंदर से चार्ट बनाएंगे और लिखेंगे। चलिए मिस आप लोगों को रीड आउट कराएंगे। एक वचन, एक तरफ देखिए एक वचन है और बहुवचन है। लड़का का लड़के, सेना का सेनाएं, पौधा का पौधे, गधा का गधे, रानी का रानियां, किल का किले, केला का केले, डिब्बा का डिब्बे, घोड़ा का घोड़े, चूहा का चूहे, बच्चा का बच्चे, किताब का किताबें, बकरा का बकरे, दवाई का दवाइयां, नदी का नदियां, दीवार का दीवारें। बच्चों आप लोग ये होमवर्क में करेंगे और एक वचन और बहुवचन के रूप लिखें और अच्छी तरह आप लोग याद करेंगे। पेज नंबर 25 ये आप लोग क्लासवर्क और होमवर्क कॉपी में अच्छा से करेंगे। बाय, लव यू, हैप्पी लर्निंग।